अब जाहिर है तो वफा, वफा का कमाल अब्बास, अब्बास का कमाल गैरत, और गैरत वो कि जिसके सिलसिले से जनाब ज़ैनब गाजी को जब भी बुलाती थी तो मेरे गैरतदार भाई कहकर बुलाती है। वो गैरतदार क्यों कहती थी समझ में आया, क्योंकि गैरत का ताल्लुक हुर्मत से है। मुहाफिज़े चादर ज़ैनब है ना गाजी, इसलिए ज़ैनब जब भी पुकारती थी तो अब्बास की गैरत के हवाले से पुकारती थी, ताकि दुनिया की समझ में आ जाए कि ज़ैनब की चादर सिर्फ ज़ैनब की चादर नहीं है, यह अब्बास की गैरत है। ये जुमला ले जाओ, ये आता है, ये अब्बास की गैरत है। तो एक परचम अब्बास के साए में रहने वालों, पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंद जवानों, अगर बेंगलोर तक जा नहीं सकते तो जहां बैठे हो सोशल मीडिया पर बैठकर पर्दे के लिए लड़ने वाली हमारी मुल्क की जो बच्चियां बेंगलोर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, सोशल मीडिया से गाजी के हवाले से इतना भर दो कि उन्हें यकीन हो जाए कल चादर ज़ैनब अब्बास ने बचाया था, आज हमारा पर्दा परचम अब्बास के लोग बचा रहे हैं। यजीद भी रज़ी अल्लाह हो, हुसैन भी अलैहि सलाम हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नजरिया है। तो आज ये मैं पैगाम दे रहा हूं, और परचम अब्बास मुमरा महाराष्ट्र और मुमरा की सरजमीन पर अपनी सोशल एक्टिविटीज से पहचाने जाने वाली यह अंजुमन, जिसने अक्वाम आलम के सामने हुसैनियत को फरोग दिया, हालांकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, दुनिया को यह बता दो कि बेंगलोर की बच्चियों, मेरी बहनों, अगर तुम अपने निकाब जैसे हक को लेके बैठी हुई हो पूरी दुनिया के सामने, तो आज ये सारे भाई जिन्हें शिया कहते हैं, जो परचम अब्बास उठाए हुए पूरी दुनिया में गैरतों के मुहाफिज हैं, ये सारे भाई आज मुमरा से ऐलान करते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पर्दे के मुहाफिज बनकर के परचम अब्बास के साए में रहने वाले ये इंसान भी हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।